दोस्तों, हम ब्रह्मांड को जानने के लिए निकल पड़े हैं। ब्रह्मांड की खोज के लिए हमने अनेक तरह के यंत्रों का निर्माण किया है, जिनके जरिए हम ब्रह्मांड में खोज करते हैं। हमें ब्रह्मांड में प्रतिदिन कुछ न कुछ अकाल्पनिक संरचनाएं देखने को मिलती है, जो हमारी कल्पनाओं से परे होता है। शायद हम इस ब्रह्मांड के अंत तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए हम इसे अंतहीन ब्रह्मांड कहते हैं। हम इस विशालकाय ब्रह्मांड में मात्र रेत के कण के बराबर है, जो इस विशालकाय ब्रह्मांड के खोज में लगा हुआ है। आइए जानते हैं इस अंतहीन ब्रह्मांड में मनुष्यों द्वारा खोजे गए 5 सबसे बड़ी चीज़ों को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक और आपका स्वागत है अंतरिक्ष टीवी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ आपको अंतरिक्ष, एलियंस और ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह। दोस्तों, अगर आप स्कॉर्पियस नक्षत्र की ओर देख रहे हो तो आप अब तक के खोजे गए सबसे बड़े ग्रह की ओर देख रहे होंगे। इस ग्रह की खोज कील यूनिवर्सिटी के डेविड एंड्रेसन के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने की थी। इस ग्रह की खोज 11 अगस्त 2009 को हुई थी। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से लगभग 1000 प्रकाश वर्ष दूर है। इस ग्रह का नाम WASP-17b है। यह ग्रह अपने होस्ट स्टार WASP-17 की परिक्रमा करता है। फोटोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन के जरिए इस ग्रह के आकार को मापा गया। फोटोमेट्री एक खगोलीय वस्तु के विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्रवाह या तीव्रता को मापने से संबंधित खगोल विज्ञान की एक तकनीक है। फोटोमेट्री शब्द ग्रीक एपिक्स फोटो यानी लाइट और मेट्रो यानी माप से बना है। इस ग्रह का व्यास 2,49,000 किलोमीटर है। यह ग्रह जुपिटर के साइज के लगभग दोगुनी है। यह ग्रह एक गैस जायंट है। इस ग्रह का घनत्व बहुत ही कम है। यह ग्रह वर्तमान में ज्ञात सबसे कम घनत्व वाला ग्रह हो सकता है। इसका घनत्व बृहस्पति की तुलना में 6 से 14% तक हो सकता है। यह अपने होस्ट स्टार की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। यह ग्रह अपने होस्ट स्टार से मात्र 7 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। हमारे बुध ग्रह की तुलना में यह अपने स्टार से लगभग 8 गुना ज़्यादा नज़दीक है और हर 3.7 दिनों में अपने तारे का एक पूरा चक्कर करता है। सूर्य के इतने नज़दीक होने के कारण इसका तापमान बहुत ही अधिक है। इस ग्रह की सबसे रोचक बात यह है कि यह अपने सूर्य की परिक्रमा लगभग 149 डिग्री के स्टेलर स्पिन एक्सिस पर करता है। ग्रहों के कक्ष में दी गई रेखा झुकाव के साथ दृष्टिभ्रमित ना होने के लिए दिखाया जाता है, जो सभी परिक्रमा करने वाले ग्रहों के लिए 90 डिग्री के निकट होता है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि किसी अन्य ग्रह के साथ निकटतम टकराव में हुए गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण इसके कक्ष का झुकाव बदल गया होगा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा। दोस्तों, ज्ञात ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा युवा स्कूटी है। यह तारा स्कूटम नक्षत्र में स्थित है, जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही मौजूद है। यह तारा हमारी पृथ्वी से 9,500 प्रकाश वर्ष दूर है। इस तारे की खोज मूल रूप से जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स ने बॉर्न ऑब्जर्वेटरी में सन 1860 में ही कर लिया था, परंतु 2012 तक इस तारे का सही आकार मालूम नहीं था। 2012 में खगोलविदों ने चिली के अटाकामा डेजर्ट में एक बहुत बड़े टेलीस्कोप के जरिए इस तारे को अच्छी तरह से देखा और उसके बाद ही इसे आधिकारिक तौर पर आकाशगंगा में मौजूद सबसे बड़े तारे का नाम दिया गया। वर्तमान में यह तारा किसी भी तारे के आकार की तुलना में सबसे बड़े आकार का है। इस तारे की त्रिज्या 11,88,000,000 किलोमीटर है, जो कि हमारे सूर्य के त्रिज्या से 2100 गुना बड़ा है। इतने बड़े सूर्य के आकार की कल्पना करना हमारे कल्पना के परे है। इसे आसान शब्दों में समझने के लिए मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तब हमारे सूर्य का व्यास 22 मीटर के करीब होगा और युवा स्कूटी का व्यास लगभग 40 किलोमीटर होगा। अगर हम युवा स्कूटी को अपने सौरमंडल के सूर्य के स्थान पर रखें तो इस तारे का आउटर सरफेस बृहस्पति ग्रह के कक्ष के पार तक पहुंच जाएगा, और यही नहीं,
सौरमंडल में बाकी बचे ग्रहों को भी यह अपने गुरुत्व बल से अपने अंदर खींच लेगा, अर्थात हमारा सौरमंडल पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्टार क्लस्टर। सभी स्टार क्लस्टर प्रभावशाली होते हैं, लेकिन ओमेगा सेंटोरी का अपना अलग स्थान है। 10 लाख सितारों के साथ यह चमकदार स्टार क्लस्टर आकाशगंगा का सबसे बड़ा स्टार क्लस्टर है। 5 मिलियन सूर्य के बराबर द्रव्यमान वाली यह क्लस्टर एक सामान्य स्टार क्लस्टर से 10 गुना अधिक बड़ी है। ओमेगा सेंटोरी का व्यास 230 प्रकाश वर्ष है। यह संभवतः 10 लाख सितारों के साथ चमकता हुआ एक शहर है। सामान्य स्टार क्लस्टरों में लगभग एक ही उम्र के तारे होते हैं, परंतु ओमेगा सेंटोरी के अध्ययन से पता चला है कि इस स्टार क्लस्टर में अलग अलग उम्र के तारों की आबादी है, जिनकी रचना अलग अलग समय में हुई थी। आमतौर पर नग्न आंखों से दिखाई देने वाले स्टार क्लस्टर हमसे कुछ हजार प्रकाश वर्ष ही दूर होते हैं, परंतु 18,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ओमेगा सेंटोरी को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि ओमेगा सेंटोरी एक छोटी आकाशगंगा का अवशेष है जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में विलय हो गया था। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा IC-1101 ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़ी आकाशगंगा है। यह आकाशगंगा सरपेंस नक्षत्र में स्थित है। इसका व्यास 6 लाख प्रकाश वर्ष है और इसके पास करीब 100 अरब जितने तारों का द्रव्यमान है, लेकिन इसका अधिकांश द्रव्यमान डार्क मैटर के रूप में है। इस आकाशगंगा की खोज ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर फ्रेडरिक विलियम हर्सेल ने अपनी टीम के साथ 19 जून 1790 में की थी। IC-1101 हमारी गैलेक्सी से आकार में 50 गुना ज़्यादा बड़ी है और 2000 गुना ज़्यादा द्रव्यमान वाली है। IC-1101 ने अपना आकार अन्य आकाशगंगाओं के साथ टकराकर बढ़ाया है। इस आकाशगंगा के अधिकांश तारे बूढ़े हो गए हैं और यह आकाशगंगा एक धीमी मौत मर रही है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना हरकुलिस कोरोना ग्रेट वॉल ब्रह्मांड में खोजी गई अब तक की सबसे बड़ी संरचना है। यह आकाशगंगाओं का एक विशाल समूह है जो गुरुत्वाकर्षण बंधन से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यह संरचना लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष लंबा, 7.2 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा और लगभग 1 अरब प्रकाश वर्ष मोटा है। यह संरचना हरकुलिस और कोरोना बोरेलिस तारामंडल में लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, इसलिए इसका नाम हरकुलिस कोरोना ग्रेट वॉल रखा गया है। इसकी खोज नवंबर 2013 में गामा रे विस्फोट के अध्ययन के दौरान हुई थी। गामा रे विस्फोट विशाल तारों के बेहद चमकदार विस्फोट होते हैं। हमारा सूर्य अपने 10 अरब वर्षों के जीवन काल में जितनी ऊर्जा पैदा करती है, गामा रे विस्फोट में 1 सेकेंड में उससे भी ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है। गामा रे विस्फोट बहुत ही दुर्लभ होते हैं। इनके होने का औसत कुछ लाख सालों में केवल एक ही विस्फोट होता है। गामा रे विस्फोट के लिए बहुत बड़े और चमकीले तारों की आवश्यकता होती है। इन विस्फोटों में आवश्यक सामग्री बहुत ही अधिक मात्रा में होनी चाहिए। 1997 से 2012 के बीच खगोलविदों ने अंतरिक्ष में कुछ दिलचस्प देखा। 14 बहुत ही लाल रंग के गामा रे विस्फोट होते हैं और वे एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। इसका मतलब यह था कि इस क्षेत्र में आकाशगंगाओं का एक बहुत बड़ा समूह मौजूद था। इन विस्फोटों को मापने से लगभग 10 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास में एक बहुत बड़ी संरचना सामने आई। इस संरचना की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि आधुनिक विज्ञान के अनुसार इतनी बड़ी संरचना मौजूद हो ही नहीं सकती। अल्बर्ट आइंस्टाइन के कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी संरचना का अधिकतम आकार लगभग 1.2 बिलियन प्रकाश वर्ष होना चाहिए और कोई भी संरचना इससे बड़ी नहीं हो सकती, परंतु यह संरचना इससे करीब 8 गुना ज़्यादा बड़ी है, जो कि कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल के विपरीत है। यह संरचना हमसे 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, जिसका अर्थ यह है कि हम आज 10 अरब वर्ष पहले की संरचना को देख रहे हैं, जब ब्रह्मांड की आयु केवल 13.8 अरब वर्ष थी। इतनी विशालकाय संरचना को बनने के लिए 13.8 अरब साल बहुत ही कम समय होता है। इस संरचना का अस्तित्व आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों,
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।